आपकी सुनी सुनाई बात बिल्कुल सीधी सी बात आदरणीय बहन, जिस समय भगवान कन्हैया रास में माता भवानी जाती थी, एक बार पूछ लिया भोलेनाथ ने कि तुम रोज कहाँ चली जाती हो, रोज कहाँ जाती हो? तो माता भवानी ने बता दिया कि मैं कन्हैया के रास में आती हूँ, वहाँ ढेर सारी गोपिकाएं आती हैं। भगवान भोलेनाथ ने जिद की कि मैं भी चलूंगा। तो माता भवानी कहने लगी ठीक है आप चलिए, लेकिन पहले अपना ये वेश बदलिए। और क्या कहा, अब नर से नारी बन जाइए और नांदिया को अलग बांध दीजिए, पहले चोला तब चलिए, नांदिया को अलग कीजिए, ये नांदिया सामने बिल्कुल नहीं जाएगा, या तो लोग जान जाएंगे। कहा प्रभु वेश बदल लीजिए, लाली लगा लीजिए होठों में, कमर में करधनी पहन लीजिए, तन पर साड़ी डाल लीजिए और लंबा सा घूंघट निकाल लीजिए, तब चलिए। भोलेनाथ ने वैसा ही किया और वो पहुंच गए रास में। अब अंतर्यामी परमेश्वर वो कन्हैया लाल वो जान गए, पार्वती से यानी माता भवानी से कहने लगे कि आज नई नवेली दुल्हन कौन सी आई है। कोई नई नवेली आई तो है, कहा ये आज नई नई, ये पहले तो कभी नहीं दिखी ना। अब बेचारी माता भवानी चुपचाप खड़ी, लेकिन सुनिए भगवान भोलेनाथ को जब इस रूप में देखा तो कन्हैया लाल समझ गए, और जब समझ गए तो देखिए किया क्या क्या, अरे पकड़ी कलाई शिव जी राधा बन गए और माता जी कृष्ण बन गई, तो बदली गई